आज बेटा 21 मार्च 2023 क्लास 10th पेपर मैथमेटिक्स सेट थर्ड के एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू फर्स्ट, इफ एन इज़ अ नेचुरल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड विद जीरोज़। तो बेटा हमें पता है जिस नंबर के फैक्टर्स जब प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो उसमें एट लीस्ट 1 टाइम 2 और 1 टाइम 5 जिसके फैक्टर में आएगा तो वो नंबर हमेशा जीरो से एंड होगा। तो इसलिए इसका आंसर है बेटा बी। बी राइट आंसर है फर्स्ट एमसीक्यू का। सेकंड, इन अ लॉटरी देयर आर 5 प्राइजेज एंड 20 ब्लैंक्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज इज। अब देखो टोटल बेटा, टोटल पहले बेटा अपन चेक कर लेंगे। टोटल टोटल अपने पास 5 प्राइजेज है, 20 ब्लैंक्स है, तो टोटल कितना हो गया 25। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम नीचे क्या रखते हैं, टोटल टोटल 25 नीचे रखेंगे 25। और हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, गेटिंग अ प्राइज, प्राइज वाली कितनी है 5। तो आंसर क्या आएगा 1/5, कटिंग करके अपना आंसर आ जाएगा 1/5। तो इसका राइट आंसर है, सेकेंड का आंसर राइट है डी 1/5। थर्ड एमसीक्यू बेटा, इफ़ 2x + 3y = 15 एंड 3x + 2y = 25 देन द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई इज। तो आपने क्या करना था, जस्ट 3x + 2y = 25 को ऊपर लिखना था और 2x + 3y = 15 को माइनस करना था बेटा। माइनस करोगे तो अपने पास डायरेक्ट आंसर आएगा x - y = 10। जब हम माइनस करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, 3x में 2x माइनस करेंगे x, प्लस 2 में -3 करेंगे -y = 25 में माइनस करेंगे 15 = 10। तो x माइनस वाई की वैल्यू उसने फाइंड करने के लिए बोला था हमें x - 5 = 10। तो थर्ड एमसीक्यू का राइट आंसर है सी। सम नंबर फोर्थ, इन द गिवन फिगर एंगल ए इक्वल एंगल सी, ए बी 6 सेंटीमीटर, ए पी 12 सेंटीमीटर, सी पी 4 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ सी डी। ऐसे सम जब भी आएंगे बेटा हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर लेते हैं। ये दो सिमिलर ट्रायंगल कैसे होंगे, एक एंगल ए और सी तो ऑलरेडी गिवन है इक्वल, और ये दोनों मैंने वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ले लिए, इसलिए ये दो ट्रायंगल्स को मैंने सिमिलर प्रूव कर दिया। एमसीक्यू टाइप है इसलिए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने माइंड में करोगे, दिमाग में करोगे। इसलिए मैंने ए बी पी और सी डी पी दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करके उन दोनों साइड की रेशो ली है। इधर से 12 सेंटीमीटर / 4 रख लिया बेटा, 12/4 = 6/CD। जो मैंने सी डी फाइंड करनी थी उसके कंपैरिजन मैंने लेंथ ली है। अब इसमें हमें ज़्यादा इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, अभी सिमिलर ट्रायंगल्स हैं पहले हम वो लिखेंगे, हमने तो एमसीक्यू का आंसर देना ना बेटा। तो इसलिए मैंने सीधे रेशो इक्वल रख के सी डी की वैल्यू फाइंड कर दी, सी डी क्रॉस होगा और सी डी की वैल्यू क्या आई कैलकुलेशन करके आंसर 2। तो इसका राइट आंसर है बेटा 2, ए ऑप्शन आएगी। सम नंबर 5, द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल √2x² - 17 आर गिवन एज। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या है, -b/a। तो इसमें आप चेक करोगे बेटा, कई कंफ्यूज हो गए होंगे, एक्स बी की वैल्यू क्या होती है, कोफिशेंट ऑफ एक्स, कोफिशेंट ऑफ एक्स क्या होता है बी। तो यहाँ तो बी मिसिंग ही है, जीरो है, तो इसलिए आंसर 0/√2 जीरो आंसर आना था बेटा। इसका राइट आंसर होगा सी। सम नंबर 6 इंटरेस्टिंग था, इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कॉन इज 51 सेंटीमीटर² एंड इट्स वॉल्यूम इज 85 सेंटीमीटर³, देन द वर्टिकल हाइट ऑफ द कॉन इज गिवन एज। तो आपने क्या करना था, दो हमें गिवन है, एक तो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस अपना कौन का क्या होता है बेटा, किस टाइप का बेस होता है, सर्कुलर। तो सर्कल का एरिया दिया हुआ हमें, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या, π r² = 51। इसको नंबर 1 आपने लेट करना था। वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला था बेटा 1/3 π r² h = 85। तो यहाँ पर मैंने π r² की वैल्यू पुट कर दी, आपने इसको कैलकुलेट नहीं करना था। एमसीक्यू मैंने पहले भी आपको समझाया, भी एमसीक्यू में हमने ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट ही करना होता है, क्योंकि हमने तो आंसर ए बी सी डी में लिखना है। तो इसलिए π r², कई बच्चे अब पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके आर फाइंड करने लग गए होंगे, तो उनका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया होगा, है ना। तो हमने क्या करना था, π r² की वैल्यू पुट करनी थी, π r² की वैल्यू 51 मैंने पुट कर ली, 3 को 51 से कैंसिल कर दिया, 17 क्रॉस होके 17 को 85 से कैंसिल कर दिया।
तो हाइट ऑफ कॉन क्या आ गई अपनी 5, तो राइट आंसर है डी। सम नंबर 7, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड ऑफ सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। तो ये बड़ा सिंपल सम है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसका, थीटा बाई 360 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए थीटा 90 डिग्री, 360 2 22/7, वैल्यू ऑफ पाई, रेडियस रेडियस गिवन है बेटा 14, तो कैंसिल कर लेंगे 10 9 4 36, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 7 7 1 7, तो राइट आंसर अपना क्या आ गया 22। तो 22 आ गया बेटा, इसमें कैलकुलेशन करने के बाद 22 अपना आंसर आ गया, तो इसका राइट आंसर है बेटा ए, ए इज राइट आंसर 22। सम नंबर 8, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ए ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी हुज 3 वर्टेक्स आर गिवन एज बी 00 सी 30 डी 04 आर। तो इस टाइप का सम बेटा हमें कुछ कैलकुलेशन करने की इसकी ज़रूरत नहीं थी, वैसे ग्राफिकली ये होता, आप ग्राफ बना के यहाँ पर देखो बी 00 आ गया, ओरिजन 00 होता है तो वो बी आ गया अपना, इस साइड सी वैल्यू यहाँ पर आएगी अपना, ये पॉइंट आएगा, मैंने यहाँ पर 1 2 और 3 पुट कर दिया है ना, 3 लेट कर लिया अकॉर्डिंग टू ग्राफिकली, तो सी पॉइंट अपना क्या आ गया 3,0। ऐसे ही डी अपना किस साइड आएगा, वाई एक्सिस, डी मुझे क्या गिवन था 04, तो 0 यहाँ पर है, x की वैल्यू y 1 2 3 4, मैंने रफली बनाया 4, आप भी ऐसे ही कर सकते थे फास्ट, तो ये मेरा पॉइंट आ गया 04। तो अब मैंने क्या करना, देखो रिक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, अगर ये 0 से 3 है तो ये भी मैं 0 से 3 लूँगा, और अगर ऊपर 4 है तो ये भी लेंथ इक्वल होगी 4, तो ऐसे आप इंटरसेक्ट करके a वैल्यू फाइंड कर सकते थे, a पॉइंट, तो a का पॉइंट का वैल्यू क्या आएगा 3,4, तो इसका राइट आंसर है बेटा c 3,4। सम नंबर 9, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1 विद द कोऑर्डिनेट x एक्सिस इज, एक्सिस इज, देखो बेटा ये अपना ग्राफिकली है, तो x के नीचे जो नंबर होता है वो क्या x की लेंथ होती है ना, अकॉर्डिंग टू ग्राफिकली x के नीचे जो नंबर होगा वो लेंथ ऑफ x एक्सिस होगी, तो यहाँ पर लेंथ क्या बन रही है a, और जो y के नीचे नंबर है वो लेंथ ऑफ y एक्सिस होगी, तो यहाँ पर ये a होगा और यहाँ पर ये b होगा बेटा, पर ये कंडीशन है इधर 1 होना चाहिए, इस साइड राइट हैंड साइड 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है, तो सीधा ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी ग्राफिकली, ये दोनों सम उन्होंने ग्राफिकली डाल दिए, जिसको ग्राफिकली नॉलेज थी तो वो जल्दी इन्होंने उन बच्चों ने फास्ट कर दिया होगा इसको, तो इसका आंसर क्या आ गया राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, 1/मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, बेस अपना ए है और हाइट अपनी बी है, तो राइट आंसर आ गया 1/2 a × b, तो इसका बी राइट आंसर है। सम नंबर 10, द आर्ज हैंड ऑफ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, द एंगल स्विफ्ट बाय इट बिटवीन 7:20 a.m. एंड 7:55 a.m. इज। तो हमें बेटा आर्ज हैंड दिया हुआ है ना, मिनट हैंड नहीं है, अब कई बच्चे यहाँ पर भी कन्फ्यूज हो गए होंगे, तो सबसे पहले हमने टाइम देखना था, 7:20 to 7:55 में अपना कितना बन रहा है 35 मिनट बन रहे हैं, 35 मिनट को बेटा आवर्स में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 60, और एक जो कवर करता है ना अपना, ये टोटल 12 पार्ट होते हैं, 12 पार्ट को अगर एक पार्ट के लिए डिग्री हमने फाइंड करनी हो तो 12 से डिवाइड करके 30 डिग्री आ गया बेटा, तो इस जो हमने इसको घंटे में कन्वर्ट किया ना, तो इसको मल्टीप्लाई करना था 30 डिग्री से, इसको कैंसिल करके 30 32, तो आंसर आना था 35/2 डिग्री, 35/2 डिग्री क्या अपना आंसर बी, बी राइट आंसर है। सम नंबर 11, द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल दिस, ये बेटा मैंने जो यूट्यूब वीडियो में मैंने डाले हुए हैं MCQ, उसमें मैंने बताया था अगर किसी इक्वेशन में दोनों पॉजिटिव साइन हो, साइन दोनों पॉजिटिव थे, दोनों पॉजिटिव थे तो आंसर क्या आएगा दोनों नेगेटिव, मैंने वीडियो में भी बताया था भाई आंखें बंद करके आपने बिना सॉल्व किए आंसर लगा देना दोनों नेगेटिव, अगर इसको सॉल्व भी करोगे तो आंसर दोनों नेगेटिव ही आएंगे, तो 11th का आंसर डी आना था नेगेटिव, अदरवाइज इसको सिंपली आप सॉल्व कर लेते फास्टली तो अपना आंसर हो जाना था बेटा। सम नंबर 12th, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू पी क्यू, इफ ए बी 6 सेंटीमीटर, पी क्यू 2 सेंटीमीटर, ओ बी 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ओ पी। ये भी अपना सम नंबर 6 चैप्टर में से आ गया, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर कर दिया क्योंकि ये दोनों लेंथ देखो दो एरो लगी हुई हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं,
ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो मैंने इस और ये बी और पी को दोनों को अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो गए, और दूसरा मैंने ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कर लिया है। इस टाइप के सब में बेटा हमने दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करना होता है, तो इन दोनों को सिमिलर करके उसके बाद तो आपको पता ही है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होगी तो उनकी साइड की रेशियो हम इक्वल लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों साइड को सिमिलर कर दिया। ये हमने लिख के नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एमसीक्यू में आपने लिखना नहीं होता, तो जस्ट आपने सोचकर भी कौन सी दो ट्रायंगल सिमिलर है और उसके अकॉर्डिंग साइड मैंने लिख ली यहाँ पर 6/2 और 3/OP, तो यहाँ पर कैलकुलेट करके मेरे पास ओपी कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर आ गया, तो इसका राइट आंसर है डी, 1 सेंटीमीटर। सम नंबर 13, इन द गिवन फिगर द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस सर्कमस्क्राइब अ सर्कल हेयर पी ए प्लस सी एस इज इक्वल टू, देखो पी ए इस लेंथ की बात कर रहे हैं और सी एस इसकी बात कर रहे हैं ना, ये दोनों का प्लस किसके इक्वल होगा, तो हमें पता है ये दोनों टेंजेंट है, ये दोनों पेयर बन रहे हैं, ए पी किसके इक्वल होगा पी डी, प्लस सी एस किसके इक्वल होगा सी एस एस डी, और पी डी प्लस एस डी क्या बना रहे हैं दोनों रल के, इक्वल टू पी एस, तो राइट आंसर क्या होना था पी एस, सी इज राइट आंसर पी एस। सम नंबर 14, ये भी बेटा मेरे यूट्यूब की वीडियो में मैंने सम करवाया था, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, तब भी मैंने बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है। तो देखो दो ऐसी कंडीशन में आप दो जो जीरोज लेट करेंगे, एक अल्फा और दूसरा 1/अल्फा, और दोनों का प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मैंने लिख लिया अल्फा इंटू 1/अल्फा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू माइनस अंडर ब्रैकेट के माइनस टू और ए 6 है, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, इधर 1 बचना था, 1 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के प्लस 2/6, 6 क्रॉस होके 6 इधर आ गया, 6 माइनस के प्लस 2, 6 माइनस माइनस 2 माइनस के, तो k की वैल्यू क्या आ गई माइनस के, 6 में से 2 गए 4, k की वैल्यू क्या आ गई माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, k इक्वल टू माइनस 4, तो इसका राइट आंसर है बेटा a माइनस 4। सम नंबर 15, इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल, तो बेटा 3 कॉइन्स टॉस करेंगे तो आउटकम्स अपने पास ये 8 आउटकम्स आएंगी, ओके 8 आउटकम्स में बेटा उन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल, मोस्ट का मीनिंग है ज़्यादा से ज़्यादा एक होना चाहिए, एक से कम 0 भी हो सकता है अपने पास, ठीक है, तो आउट ऑफ 8 आउटकम्स में अपने पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ट्रिपल हेड, हेड टेल हेड, डबल हेड टेल, टेल हेड हेड, तो टोटल अपने पास 4 आउटकम्स आ गई हैं, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए टोटल 8 है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अपने पास 4 है, तो आंसर अपना आएगा 4/8, तो 15 का राइट आंसर है बेटा बी 4/8 बन रही है। सम नंबर 16, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस देन द वैल्यू ऑफ आर, तो ये तो मैंने थर्ड चैप्टर की जब आपको वीडियो दी तो उसमें बताया था, इस पे एक ना एक सम जरूर आएगा, तीनों कंडीशन इंटरसेक्ट, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन, तो जस्ट आपने क्या करना था तीनों रेशियो इक्वल करनी थी, 3/6 इक्वल टू माइनस 1/-r इक्वल टू 8/16, जैसे मैंने लिखा हुआ है माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, किसी दो को इक्वल रखना था 3/6 इक्वल टू 1/r, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ गया 1/2, 1/r, r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2, तो इसका राइट आंसर है डी 2। सम नंबर 17, इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर विद एंगल ए 32 एंड आर 65 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी, बी फाइंड करना, मेजर हमने एंगल बी करना बेटा, तो सिंपल सा फंडा था इसका, सिंपल सा रूल है, जो दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका अल्फाबेटिकली नेम चेक करना होता है ए बी सी, इधर से अपने पास है पी क्यू आर, तो ए एंगल ए के इक्वल होगा, तो देयरफॉर ए पी के इक्वल होगा बेटा, इधर आर सी के इक्वल होगा, इट मीन्स सी 65 आ गया, और उन्होंने बोला था बी फाइंड करो, बी फाइंड कर लेंगे, तीनों का प्लस 180 होना चाहिए, ये अपने पास 97 माइनस 180, 180 माइनस करोगे तो 3 और 83 आंसर आ गया, राइट आंसर है सी।
सम नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज सम ऑफ इट्स रूट इज 4. सम ऑफ इट्स रूट, सम ऑफ इट्स रूट फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सम सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए. तो इसका राइट आंसर होगा बी. बी क्यों होगा बेटा, देखो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, ए की वैल्यू कितनी है माइनस वन, माइनस वन माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 4. तो इट मीन्स जो बी इक्वेशन है उसका आ रहा सम ऑफ इट्स रूट 4, तो इसका 4 आ रहा, बाकी का वहाँ ए सी और डी बाकी तीनों का 4 नहीं आ रहा बेटा. तो इट मीन्स 18 का जो अपना आंसर राइट आंसर है बी है. सम नंबर 19, असर्शन रीजन वाला बेटा. तो असर्शन उसने क्या पूछा, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो सेम है, कोई टेंजेंट है, सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लगाएंगे टेंजेंट पे तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर है, ये ट्रू है. सेकंड देखते हैं, रीजन देखते हैं, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल. कोई एक्सटर्नल पॉइंट लिया पी हमने, तो वहाँ से हम दो टेंजेंट्स लगाएंगे बेटा, तो वो दोनों क्या होंगी इक्वल. इसमें देखो इसका ये रीज़न नहीं बन रहा सेम, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी. बोथ सर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ट्रू तो है, बट जो रीज़न है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो 19 का आंसर आएगा बी. सम नंबर 20, ए गिवन है, द पोलिनोमियल पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 हैज़ टू रियल जीरोज. रियल जीरोज बेटा चेक करने के लिए तो हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं. डिस्क्रिमिनेंट मैंने चेक किया तो यहाँ पर आ गया माइनस 3, माइनस 3 आ गया, तो इट मीन्स क्या, डी नेगेटिव लेस देन 0 आ गया, डी लेस देन 0 है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स आएगा. नो रियल रूट्स आएंगे तो बेटा मैं चेक कर लेता हूँ, इट मीन्स मेरा ए ही रॉन्ग है, ए रॉन्ग है. तो ए रॉन्ग देखो, ए में ए ट्रू है, बी में ए ट्रू है और सी में भी ए ट्रू है, बट मेरा आंसर क्या आ रहा है, ए फॉल्स है, तो ए फॉल्स ओनली डी में है. तो इसलिए आपको रीज़न चेक करने की ज़रूरत ही नहीं इस सम में. तो इसका जो 20th का आंसर डी आएगा बेटा. तो इस वीडियो में बेटा हमने 20 MCQ डिस्कस किए हैं. ये सेट 3 था मेरे पास, तो 1 और 2 की भी मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा. थैंक यू वेरी मच.